तो फिर आपको जो है पावर मेन पावर में आपका बिल लगेंगे। ये आपका डॉक्टर इसका ये स्क्रीन जो यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे, अगर आप इसको इसमें लगाएंगे यहाँ पर ये डायरेक्ट यूज़ के लिए आप दो ऑप्शन इसके अंदर हैं, एक बैटरी से आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। अभी हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से ऑन करेंगे सिंगल ब्रश। ये आपका स्क्रीन ऑन हो गया। ये इसकी स्टिक है यूज़ करने के लिए, टू स्टिक इसके साथ आते हैं। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं, पेशेंट्स पेशेंट है, पेशेंट की डिटेल इसमें होगी, आई ऑल कैलकुलेट है, सेव डाटा है, रीड डाटा, प्रिंट एंड सिस्टम। इसके अंदर सिस्टम की डिटेल्स है, ये प्रिंट निकालने के लिए ऑप्शंस हैं। ये इसके साइड में आप जो देख रहे हैं लेफ्ट राइट साइड में, ये इसकी जो ऑप्शंस आ रहे हैं सारे, इसके गेट्स हैं, गेट्स ये ओडी है, ओडी ओएस मतलब लेफ्ट एंड राइट के लिए होता है। गेन को हम हमेशा मैक्सिमम रखते हैं, देखिए आप गेन जिसके डिफॉल्ट होते हैं 100 पे होते हैं, और बट हम इसको जब रीडिंग लेंगे तो 120 मैक्सिमम करके लेंगे। ये कॉन्ट्रास्ट है इसका, कॉन्ट्रास्ट भी डिस्प्ले के उसके लिए होता है। ये गेट्स आपके हो गए, ये ओडी है, ऑटो दो मोड्स हैं इसके अंदर, मैनुअल और ऑटो। हम मैनुअल मोड पे नहीं लेंगे, मैनुअल मोड पे इसका फुट स्विच से लेते हैं, हम फुट पैडल से लेते हैं, हम इसके अंदर ऑटो मोड पे ही लेंगे हमेशा। ये कॉन्टैक्ट है और ये इमर्शन, इसको हम कॉन्टैक्ट से ही लेंगे। ये आई के हमारे इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, नॉर्मल आई, एफएफई आई, स्पेशल आई एंड कैटरेक्ट आई। अगर कोई कैटरेक्ट आई है तो उसको कैटरेक्ट पे लेंगे, स्पेशल पे स्पेशल। वैसे हम नॉर्मली नॉर्मल आई के जो लेते हैं नॉर्मल पे रख के लेते हैं। जस्ट आप देखें इसके अंदर आप ड्रॉप है, ये हम इसको पॉइंट रेड पॉइंट्स आप इसको मैच करके आप इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। स्पाइक्स इसमें चलने लगे, स्टार्ट हो गई आप ये स्कैन फ्रीज का ऑप्शन है, देखिए स्पाइक्स फ्रीज हो गई है। देन अगेन टच करेंगे तो ये अगेन स्कैनिंग पे आ जाएंगे। ये क्लियर का जो है ये जो रीडिंग्स आपने लिए हैं वो डाटा क्लियर करने के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर पेशेंट की डिटेल डालेंगे, यहाँ पे नेम जो भी आप डालना चाहें नेम आप डाल देंगे, एक्स वाई जेड। यहाँ पे आप आईडी, एज, मेल एंड फीमेल, वो आपकी डिटेल्स ऊपर आ गई यहाँ पे देखिए। अभी आप रीडिंग लेंगे, ये 8 रीडिंग्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, 8 रीडिंग्स ये कंसिस्टेंटली 8 रीडिंग्स ऑटोमेटिकली लेगा। अभी मैं इसको वाटर से यूज़ कर रहा हूँ, अगर वैसे इसको प्रोफेशनल जेल से यूज़ किया जाता है। देखिए ये 8 रीडिंग इसने ले ली है, अभी ऑटोमेटिकली स्पेक्स जो है वो रुक गई है। यहाँ पे आपके एवरेज भी दिखा रहा है। देन आपको अब क्या करना है, आई ओ एल कैलकुलेट करना है। आई ओ एल कैलकुलेट में आप K1 K2 की पावर यहाँ पे डालेंगे, K1 K2 जो भी है आपका, सपोज आपका 40.05 K1 आपने डाल दिया और K2 आपने 41.00 डाल दिया। यहाँ पे टू फार्मूलाज हम यहाँ पे लगाएंगे, SRKT एंड यहाँ पे SRK2 एंड SRKT, दो फार्मूलाज पे आप चेक करेंगे। देन आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका जो है एक्सियल लेंथ आ गई आपकी, ये 15.50 एंड आपके SRKT के अंदर 17 पॉइंट आपकी एक्सियल लेंथ आ गई है। यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये प्रिंट का ऑप्शन है। एंड देन आप सेव डाटा कर सकते हैं, आपकी जो सक्सेसफुली डाटा सेव हो गया आपका, ये रीडिंग आपने यहीं से आप इसको क्लोज कर दें। दैट्स इट।